झाबुआ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने तीखी बयानबाजी कर एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया है। इसी बीच भाजपा ने चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस को घेरने के लिए हिंदू आतंकवाद और पाकिस्तान समर्थन जैसे कई मुद्दे उठाए। इतना ही नहीं, भाजपा नेताओं ने इस चुनाव को कांग्रेस बदला लेने वाला चुनाव बताया। चुनावी सभा के दौरान भाजपा नेता गोपाल भार्गव को कांग्रेस प्रत्याशी को पाकिस्तानी बताना भारी पड़ गया है। उन पर रिटर्निंग ऑफिसर ने FIR दर्ज करवा दी है। दरअसल 30 सितंबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख थी। इस दिन कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया और भाजपा प्रत्याशी भानु भूरिया ने अपना पर्चा भरा। उसके बाद भाजपा ने रोड शो कर सभा का आयोजन किया। सभा में सांसद गुमान सिंह डामोर ने कहा कि हमने भानु भूरिया को खड़ा किया है। भानु भूरिया वो हनुमान है जो कलंकनाथ सरकार की लंका में आग लगाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसियों को पाकिस्तानी समर्थक बता दिया। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि कांति लाल जीत गए तो ऐसा मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान का समर्थन करने वाली सरकार का प्रतिनिधि जीत गया। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच चुनाव है। भानु हिंदुस्तान का तो कांतिलाल पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। भार्गव के बयान के बाद झाबुआ कोतवाली में देर रात गोपाल भार्गव पर FIR दर्ज की गई। रिटर्निंग ऑफिसर अभय खराड़ी के प्रतिवेदन पर पुलिस ने IPC की धारा 153B(1), 505(2), 188 और 123(1) और (2), 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।